विधानसभा चुनाव के लिए पानीपत ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी सचिन कुंडू भी प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 18 ब्लॉक समिति के सदस्यों को कांग्रेस में शामिल कराया। उन्होंने कहा कि चुनाव में हुए ग्रामीण हलके का भरपूर समर्थन मिल रहा है और समर्थन को देखकर लगता है कि जनता कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। सचिन कुंडू ने मौजूदा सरकार को जनविरोधी करार देते हुए कोई भी विकास कार्य नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लेकर आई जिसमें युवाओं को रोजगार के अवसर दिए गए हों। उन्होंने कहा कि जो घमंड लेकर घोड़े पर सवार है, लोग उनका घमंड तोड़ने का काम करेंगे। इस दौरान सचिन कुंडू को भारी जनसमर्थन भी मिला है। चुनावी रण में लगातार सचिन कुंडू प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए पानीपत ग्रामीण से कांग्रेस के प्रत्याशी सचिन कुंडू प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 18 ब्लॉक समिति के सदस्यों को कांग्रेस में इस दौरान शामिल भी कराया और कहा कि चुनाव में हुए ग्रामीण हलके का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि समर्थन को देख के लगता है कि जनता कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। सचिन कुंडू ने मौजूदा सरकार को जनविरोधी सरकार भी करार दिया और कहा कि कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लेकर आई जिसमें युवाओं को रोजगार के अवसर दिए गए हों। लगातार चाहे गांव में जा रहे हैं, चाहे कॉलोनियों में जा रहे हैं, लगातार बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, युवा साथियों का अपार साथ और समर्थन हमें मिल रहा है और आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन किस तरीके से लोगों ने मन बना लिया है कि 5 तारीख को प्रदेश की जनता और पानीपत ग्रामीण की जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी और भाजपा की जो जन विरोधी सरकार है जिसने 10 साल में किसी भी वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया उस सरकार को लोग चलता करने का काम करेंगे। 18 आज हमारे साथियों ने कांग्रेस पार्टी को, मुझे अपने भाई को अपना समर्थन दिया है जिससे आप देखोगे आने वाले समय में चुनाव में हमें आज से और मजबूती मिलेगी।